Welcome to IDLS Academy. Our lecture is continuation of the previous topic, that is analysis of soft drinks and fruit juices. So let us continue our lecture. Preservatives. There are थ्री मेन प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स. अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें तो तीन मेन प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनका कि यूज़ किया जाता है इन द यूके एंड यूरोप में. अब इसमें कौन कौन से आते हैं? बेंजोइक एंड सॉबिक एसिड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. ये तीन तरीके के मेन प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनको कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है. इन सम कंट्रीज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट्स आर आल्सो अलाउड इन बीवरेजेस. कुछ कंट्रीज में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट्स को इनको भी यूज़ किया जाता है. द एनालिसिस ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स will be covered in two sections. अगर analysis की जाए इन ingredients की जो भी हैं तो वो जो analysis होगी वो दो sections में होगी. That is, the first will examine the analysis of benzoic and sorbic acid and the para hydroxy benzoates. जो first step होगा उसमें examine किया जाएगा, analysis किया जाएगा benzoic acid, sorbic acid and para hydroxy benzoates का. वाइल जो सेकेंड स्टेप्स होगा इन दिस एंड द सेकेंड विल डिस्कस द एनालिसिस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. और जो सेकेंड सेक्शन होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड की एनालिसिस के बारे में डिस्कस करता है. वन ऑफ द ओल्डर मेथड्स यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव्स इन अ सॉफ्ट ड्रिंक एंड जूस इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. सबसे ओल्डेस्ट मेथड की अगर हम बात करें जिसका कि यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव, सॉफ्ट ड्रिंक्स की यहाँ पे बात हो रही है, जूस की बात हो रही है, तो वो मेथड है थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी. इट इज़ इन शॉर्ट इट इज़ आल्सो नोन एज TLC. अब इसका यूज़ क्या होता है, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी आखिर वर्क कैसे करती है? सो विच प्रोवाइड्स अ यूजफुल मेथड टू डिटेक्ट बेंजोइक एंड सॉबिक एसिड. आप TLC के थ्रू, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी के थ्रू बेंजोइक एसिड एंड सॉबिक एसिड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं एज वेल एज द सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड. और अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स प्रेजेंट है तो आप उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी. सल्फर डाइऑक्साइड इज अ वाइडली यूज्ड प्रिजर्वेटिव फॉर फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स. फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला प्रिजर्वेटिव है सल्फर डाइऑक्साइड, पर्टिकुलरली स्क्वैसेस एंड कॉर्डियल्स. अगर स्क्वैसेस और कॉर्डियल्स की बात करें तो उनमें सल्फर डाइऑक्साइड का वाइड रेंज में यूज होता है. रिपर टाइट्रेशन इज अ वेरी सिंपल एंड क्विक मेथड दैट कैन बी यूज टू डिटेक्ट द रिड्यूसिंग पावर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. रिपर टाइट्रेशन एक बहुत सिंपल और क्विक मेथड है जिसका कि यूज़ किया जा सकता है सल्फर डाइऑक्साइड की रिड्यूसिंग पावर को डिटेक्ट करने के लिए. एसिडुलेंट्स. आफ्टर स्वीटनेस द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ फ्रूट जूस और सॉफ्ट ड्रिंक इज इट्स एसिडिटी. जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर आता है स्वीटनेस के बाद में सॉफ्ट ड्रिंक का वो होता है इसकी एसिडिटी. इन फैक्ट इट इज़ एक्चुअली द बैलेंस ऑफ द स्वीटनेस टू सॉरनेस. एसिडिटी का मतलब ये होता है कि स्वीटनेस और सॉरनेस के बीच में एक बैलेंस बना के रखा जाता है, मीठा खट्टा बैलेंस करके रखा जाता है ताकि कोई भी चीज़ डिसबैलेंस ना हो और टेस्ट जो है उसका वो खराब ना हो जाए. और इसको बोलते क्या हैं, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड द ब्रिक्स टू एसिड रेशियो. इसको शॉर्ट में B:A से रिप्रेजेंट किया जाता है विच इज़ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर. और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है.
The normal method used to assess the acidity of soft drink or fruit juice is by titration. जो normal method है acidity को assess करने का soft drink या fruit juice की, ये होता है titration के द्वारा. Using sodium hydroxide. Sodium hydroxide का titration करके आप soft drinks की acidity को assess कर सकते हैं. In a carbonated product, अगर carbonated product की बात करें, the carbon dioxide has first to be removed from the product by boiling. Carbonated product में जो carbon dioxide present होती है, पहले उसको remove करना पड़ता है, और ये removal आप boiling के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इस CO2 को remove नहीं करेंगे, आप analysis को प्रॉपर नहीं कर सकते. इसलिए एनालिसिस करने से पहले आपको CO2 को रिमूव ही करना पड़ता है, और इसको आप बॉइलिंग के द्वारा रिमूव कर सकते हैं. अप्लाइंग द एनर्जी ऑफ साउंड. एनर्जी ऑफ साउंड का मतलब होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है सोनिकेटर. सोनिकेटर में सोनिकेशन की प्रोसेस होती है. इसमें होता ये है कि इसमें साउंड की एनर्जी को अप्लाई किया जाता है. एंड इट इज अलोन इज नॉट इनफ टू इंश्योर दैट ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन लिबरेटेड फ्रॉम द सॉफ्ट ड्रिंक. ये आप साउंड की एनर्जी को अप्लाई तो कर देंगे, लेकिन ये अकेली ही इसके लिए इंश्योर नहीं कर सकती है कि सारा कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो चुका है सॉफ्ट ड्रिंक से. और ये जो सोनिकेशन की प्रोसेस होती है, सोनिकेटर के द्वारा की जाती है, और इसमें जो आपका प्रोडक्ट है उसको सोनिकेटर में रखा जाता है, और चारों तरफ से ये साउंड, ये वाइब्रेट होता है सोनिकेटर, और उसी से ये एनर्जी इस पे अप्लाई होती है. अ रेंज ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग एंजाइम लिंक्ड एसे. एंजाइम लिंक्ड एसे की मदद से बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स को डिटरमाइन किया जा सकता है. एंड दीज प्रोसीजर्स हैव बीन कोलैबोरेटिवली टेस्टेड. और इन प्रोसीजर्स को कोलैबोरेटिवली टेस्ट किया जा चुका है. नेक्स्ट आता है कार्बोनेशन. For carbonated soft drinks, the level of carbonation is a key parameter. अगर carbonated soft drinks की बात करें, तो carbonation का level क्या है, ये बहुत matter करता है, और ये एक key parameter होता है. And if an incorrect level is used, अगर किसी भी तरीके से carbonation का गलत level या incorrect level use कर लिया गया है, this can disrupt the overall flavor balance of the product. ये जो प्रोडक्ट है उसके फ्लेवर बैलेंस को ही डिसरप्ट कर सकता है. द लेवल ऑफ कार्बोनेशन कैन बी मेजर्ड इन अ नंबर ऑफ वेज. कार्बोनेशन के लेवल को मेजर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं. उनमें से पहला है, द फर्स्ट इज अ मोनोमेट्रिक मेथड. पहला मेथड है मोनोमेट्रिक मेथड, पब्लिश्ड बाय AOAC फॉर बियर. इसको बियर के लिए पब्लिश किया गया था. वाइल द सेकेंड इज ऑल्सो अ मोनोमेट्रिक प्रोसीजर. सेकेंड की बात करें तो ये भी एक मोनोमेट्रिक प्रोसीजर ही है, बट इज समवॉट लेस कॉम्प्लिकेटेड दैन द AOAC प्रोसीजर. लेकिन ये AOAC प्रोसीजर से थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेटेड है. ड्यूरिंग द कार्बोनेशन ऑफ वाटर, अगर वाटर के कार्बोनेशन की बात करें, the levels of oxygen and nitrogen needs to be reduced to a minimum. अगर carbonation की process water के साथ में की जा रही है, तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि oxygen और nitrogen के level को एक minimum level तक लेके आया जाए. This not only means that the overpressure of the carbon dioxide applied to the carbonator can be lower. इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड को अप्लाई किया जा रहा है कार्बोनेटर पे, वो हमेशा उसका ओवर प्रेशर लगा के उसको लोअर किया जाए.
It also means that fewer problems are seen with foaming during filling. ऐसा कभी कभी भी तब भी देखा जाता है कि जो कार्बोनेशन के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ये तब भी आ जाती हैं जब फिलिंग के दौरान फोबिंग की प्रॉब्लम देती है. फोबिंग का मतलब होता है ऐसे बबल्स बनने लगते हैं लिक्विड के ऊपर, तो इस प्रॉब्लम के दौरान भी कार्बोनेशन की प्रॉब्लम ये दिखी जाती है. विच इज रैपिड आउट गैसिंग आफ्टर फिलिंग विच कॉजेज लॉस ऑफ प्रोडक्ट व्हेन द कंटेनर लीव्स द फिलर हेड. और इसकी वजह से जब कंटेनर फिलर हेड को लीव करता है, जब आपका प्रोडक्ट बाहर जाता है, उस टाइम पे प्रोडक्ट का लॉस देखा जाता है. मिसलेनियस एडिटिव्स. एडिटिव्स वो चीज़ें होती हैं जो कि बाहर से किसी भी प्रोडक्ट में ऐड की जाती हैं. तो कुछ मिसलेनियस एडिटिव्स के बारे में हम देखेंगे. टू कंपाउंड्स दैट आर यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक फॉर्मुलेशंस फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज आर कैफीन एम्प्लॉयड इन अ रेंज ऑफ बीवरेजेस इंक्लूडिंग कोल्स फॉर इट्स स्टिमुलेंट प्रॉपर्टीज. जो कैफीन है इसको बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स में एज अ स्टिमुलेंट यूज़ किया जाता है. बहुत सारी बीवरेजेस में ये यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी स्टिमुलेंट होती हैं. और इसके अलावा कैफीन तो एक एग्जांपल है, दूसरा है क्विनीन. कैफीन के अलावा क्विनीन का भी एज अ एडिटिव बीवरेजेस में यूज़ किया जाता है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर इट्स बिटर टेस्ट. इसके बिटर टेस्ट की वजह से इसको यूज़ किया जाता है. एंड टू मीट अ लीगल रिक्वायरमेंट इन टॉनिक वाटर एंड समटाइम्स इन अदर प्रोडक्ट्स. कुछ टाइम्स इसको जो टॉनिक वाटर होता है उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए और कुछ समटाइम्स अदर प्रोडक्ट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है. तो सबसे पहला है कैफीन. कैफीन के बारे में कुछ हम डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं. फॉर द एनालिसिस ऑफ कैफीन, अगर कैफीन की एनालिसिस की बात करें, ऑल ऑफ विच हैव एन एक्सट्रैक्शन स्टेज, जिनमें कि सभी में एक एक्सट्रैक्शन स्टेज होती है फॉलोड बाई अ क्वांटिफिकेशन प्रोसीजर. और इस एक्सट्रैक्शन स्टेज के बाद में एक क्वांटिफिकेशन प्रोसीजर देखा जाता है. देर इज ऑल्सो एन एच पी एल सी मेथड. यहाँ पे एक एच पी एल सी मेथड भी होता है, डिस्कस्ड अर्लियर, रुकी पहले ही डिस्कस भी किया जा चुका है. एच पी एल सी मेथड शायद हमने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस किया है, आप लोग उस पर स्विच कर सकते हैं क्योंकि डिटेल्ड स्टडी उसकी प्रीवियस लेक्चर्स में हो चुकी है. सो विच वार डिज़ाइन टू मेजर सैक्रीन. अभी जो एच पी एल सी मेथड है इसके द्वारा सैक्रीन का मेजरमेंट किया जा सकता है एंड बेंजोइक एसिड एंड कैफीन एट द सेम टाइम. कितनी सारी चीज़ों को देखिए एक साथ में यहाँ पे मेजर कर ले रहे हैं आप. सैक्रीन को, बेंजोइक एसिड को और कैफीन को एक साथ ही एच पी एल सी की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं या हम कह सकते हैं कि मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट एडिटिव है हमारा क्विनीन. The level of quinine in a soft drink can be measured either by determination of the absorbance of an extract of the soft drink. Level को measure करने के लिए या तो आप जो भी soft drink है उसका जो extract की absorbance है उस वो absorbance कितनी है इसको determine करके आप soft drink का level कितना है उसमें quinine का ये measure कर सकते हैं. After making the product alkaline with ammonia, और इस process को करने से पहले आपको जो भी product है उसको ammonia से alkaline करना होता है और by its detection directly या फिर इसके द्वारा directly detection करना होता है spectrophotometrically और fluorimetrically. या तो आप spectrophotometer का use कर सकते हैं या फिर आप fluorimeter का use कर सकते हैं ताकि आप इसके level को detect कर सकें. अदर एडिटिव्स, कुछ अदर एडिटिव्स का भी यूज़ किया जाता है. देयर हैव बीन अ रेंज ऑफ अदर्स विच हैव फोकस्ड ऑन
अदर एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। बहुत से ऐसे अदर एडिटिव्स भी होते हैं जिनको कि हेल्थ और वेलबींग के एस्पेक्ट में ऐड किया जाता है, और वो अदर एडिटिव्स भी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट में हेल्प करते हैं। ऑफन कंटेनिंग ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं काफ़ी समय तक। इसके अलावा इसमें सोया एक्सट्रैक्ट हो सकता है, और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ हर्ब्स, हर्ब्स का भी एक्सट्रैक्ट इसमें हो सकता है। After the recent rulings from EFSA, a number of these claims will probably have to be withdrawn in the short term. Other additives में एक example आता है taurine. It can be analyzed using the liquid chromatographic method. अगर आप taurine को detect करना चाहते हैं तो आपको लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करना होता है, यूज्ड फॉर दी अदर एमिनो एसिड, और इसी का अदर एमिनो एसिड्स के लिए भी यूज़ होता है। दिस इन्वॉल्व्स सेपरेशन यूजिंग एन आयन एक्सचेंज कॉलम। इसमें आयन एक्सचेंज कॉलम की मदद से सेपरेशन किया जाता है, एंड डिटेक्शन इन दी विजिबल रीजन, डिटेक्शन के लिए विजिबल रीजन में इसको ले जाया जाता है। आफ्टर पोस्ट कॉलम एडिशन ऑफ निनहाइड्रिन, निनहाइड्रिन एक टाइप का डाई है जो कि जब आप ऐड करते हैं तो एक ये पर्टिकुलर कलर दे देता है आपके प्रोडक्ट को, जिससे कि आप इजिली उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। डायोनेक्स पब्लिश्ड अ मेथड फॉर अमीनो एसिड्स इन जनरल दैट आर डिटेक्टेड यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्शन। एक मेथड ऐसा इन्होंने पब्लिश किया जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्शन कर रहा था, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड की वजह से हेल्प से उसको डिटेक्ट कर पा रहा था। विच रिक्वायर्स नो प्री और पोस्ट कॉलम डेरिवेटाइजेशन, और ये एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें कि ना तो प्री ना तो पोस्ट कॉलम का डेरिवेटाइजेशन इसकी ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट आता है फाइबर एनालिसिस। फाइबर इन डाइट इज बेटर डिस्क्राइब्स एज नॉन मेटाबोलाइजेबल कार्बोहाइड्रेट। फाइबर इसको अगर बेटर डिस्क्राइब करना चाहें हम तो इसको नॉन मेटाबोलाइजेबल कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है, एंड देयर इज अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन इट्स इंक्लूजन इनटू द डाइट टू हेल्प इम्प्रूव गट हेल्थ। और यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपने सभी से कहते सुना होगा कि ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें कि फाइबर हो, तो इस पर काफ़ी डिस्कशन भी होता है और लोगों का इस इंटरेस्ट भी इसमें आ गया है कि फाइबर्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए ताकि गट हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके। दिस इज एक्सटेंडिंग टू ड्रिंक्स, और ये सिर्फ फूड्स तक नहीं रह गया है, ये ड्रिंक्स तक भी पहुँच गया है कि ड्रिंक्स में भी फाइबर्स को इंक्लूड किया जाए। With these types of materials being added to milk and fruit-based products such as smoothies. अब इसमें स्मूथीज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फाइबर जैसा प्रोडक्ट है, और जिसको कि मिल्क में और फ्रूट बेस्ड प्रोडक्ट्स में ऐड किया जाता है, और ये भी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। One source of soluble fibers which has received interest over the last few years is inulin. एक फाइबर का सोर्स इन्यूलिन है जो कि अभी रिसेंटली ही डिस्कवर हुआ है। इसके अलावा ओलिगोफ्रैक्टन्स, ओलिगोफ्रैक्टन्स भी सोल्युबल फाइबर्स का ही एक एग्जाम्पल हैं, जिनमें कि आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, साइंटिस्ट इस पर वर्क कर रहे हैं, और इसका और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है, कैसे इसको ड्रिंक्स में यूज़ कर सकते हैं, इस पर रिसर्च चल रही है। हाई पीएच एनायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी लिंक्ड विद पल्स एम्पिरोमेट्रिक डिटेक्शन, इसको शॉर्ट में HPACPAD बोला जाता है, is used to analyze the product for sugars
at various stages of the analysis process. The sugars are then determined after treatment of an extract with an amylase. जो sugar है, sugar को अगर determine करना है, तो जो भी extract है, extract से treatment के बाद में amylase के साथ में इसका treatment करते हैं, which breaks down starch. और amylase एक ऐसा enzyme है, जिसका work होता है starch को break down करना. ये starch को break down कर देता है, and then an inulinase. ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि इन्यूलिन को ब्रेक करता है, विच हाइड्रोलाइजेस एनी इन्यूलिन. और इस तरीके से इनका ब्रेक करके, इनको हाइड्रोलाइज करके, आप इनके जो इनका वहाँ पे प्रेजेंस है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. अब आता है हर्बल ड्रिंक्स. There have been a growing interest in the health benefits that can be derived from taking herbal extract. जो herbal extract से चीज़ें निकलती हैं, उनसे बहुत सारे health के benefits होते हैं. तो उन health benefits की वजह से herbal extracts का use wide range में होता है, और इसमें भी scientist का interest grow हो रहा है कि किस तरीके से ज़्यादा हर्बल एक्सट्रैक्ट्स को यूज़ करके हेल्थ बेनिफिट्स को इम्प्रूव किया जा सके. एंड दिस हैज़ लेड टू द इंक्लूजन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्ट्स इन सम बीवरेजेस. और इसकी वजह से काफ़ी बीवरेजेस में इस टाइप के जो हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं, इनका यूज़ किया जाने लगा है, और बहुत से हर्बल ड्रिंक्स अब अवेलेबल हो गए हैं मार्केट में. The analysis of herbal extract is a very complex issue. एक बहुत complex issue है कि herbal extracts को analyze कैसे किया जाए, and is well outside the scope of this chapter. और ये बहुत complex issue है, इस particular session में discuss करना भी possible नहीं है. However, it is incumbent upon a manufacturer to check the authenticity of the material that they are buying. और जो manufacturer होता है, ये उसकी responsibility होती है कि वो जिस भी material को ले रहे हैं product को बनाने के लिए, वो उसकी authenticity को, उसकी quality को पहले check करें, और उसके बाद में ही उसको product में add करें. In order to ensure that they are real, ये ensure कर सकें कि जो material उन्होंने लिया है वो real है, and have not been adulterated or extended in any way with cheaper materials. और साथ ही ये भी इंश्योर करें कि कोई भी adulterated material वहाँ पे यूज़ नहीं है, या फिर किसी भी तरीके के ऐसा नहीं किया गया हो उसमें कि जो original material है उसको remove करके वहाँ पे कोई cheaper material डाल दिया गया हो. If it is a challenge to confirm the authenticity of an herbal extract, it is even more of an analytical challenge in a complex finished product that might contain juice and other ingredients. अगर herbal extracts की authenticity को confirm करना एक challenge है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा analytical challenges होते हैं, जो आपका जो finished product बन के ready हुआ है, उसको आप चेक करना चाहेंगे, उसकी क्वालिटी को चेक करना चाहेंगे, तो उसमें ज़्यादा चैलेंजेस मिलेंगे. इसीलिए कोशिश ये हो कि जो भी हर्बल एक्सट्रैक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी पहले ही चेक कर ली जाए, ताकि आगे चल के जो आपका फाइनल जूस या फिर जो अदर इंग्रेडिएंट्स जो बन के रेडी हुए हैं, उनमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना देखी जा सके, और वो ऑथेंटिक हों और वो होलसम क्वालिटी के हों. अब आता है ऑस्मोलैरिटी. ऑस्मोलैरिटी ऑल्दो दिस इज नॉट एन एडिटिव, ऑस्मोलैरिटी कोई भी एडिटिव नहीं है, स्टिल इट इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर टू मेजर इन स्पोर्ट्स ड्रिंक्स एंड आइसोटोनिक प्रोडक्ट. ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है स्पोर्ट्स ड्रिंक और आइसोटोनिक प्रोडक्ट्स को मेजर करने के लिए,
that are being sold for rehydration purpose. ऐसे सभी ड्रिंक्स जिनको कि रिहाइड्रेशन purpose के लिए सेल किया जा रहा है, उनके लिए ऑस्मोलैलिटी को मेजर करना एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है. दीज टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स रिक्वायर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर सिमिलर टू ह्यूमन सीरम. अब इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं, इनमें ऑस्मोटिक प्रेशर ह्यूमन सीरम के बराबर होना चाहिए, लगभग सिमिलर होना चाहिए, विच इज़ टिपिकली 285 to 295 milliosmol per kg. Osmometers typically use either the depression of freezing point or the elevation of vapor pressure to measure the osmolality of the product. जो osmometers होते हैं, ये osmolality को measure करने के लिए freezing point के depression को measure करते हैं, या फिर ये vapor pressure के elevation को measure करते हैं, और इन्हीं दो में से किसी एक चीज़ को measure करके वो प्रोडक्ट की ऑस्मोलैलिटी को पता कर लेते हैं, ऑस्मोलैलिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं. एनालिसिस फॉर ऑस्मोलैलिटी टिपिकली रिक्वायर्स नो सैंपल ट्रीटमेंट. अगर ऑस्मोलैलिटी के एनालिसिस की बात करें तो इसके लिए कोई भी सैंपल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है. ऑल दैट इज़ डन इज़ फॉर द सैंपल टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन टू द इंस्ट्रूमेंट. जो करना होता है बस इतना कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें सैंपल को इंट्रोड्यूस किया जाए, एंड अ फ्यू मिनट्स लेटर द वैल्यू इज प्रिंटेड आउट, और उसके बाद में ऑस्मोमीटर से जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू को प्रिंट करके निकाल लिया जाए. सिंपली एनालिसिस का सिंपल प्रोसीजर है, कुछ भी एक्स्ट्रा स्टेप्स भी नहीं करने हैं. सिंपली आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ऑस्मोमीटर है, आप उसमें सैंपल को कलेक्ट करिए, सैंपल को इंट्रोड्यूस करिए, और उसके बाद में आप सैंपल को एनालिसिस के लिए लगा दीजिए. कुछ ही मिनटों में आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है, आपकी वैल्यू आ जाती है. आप वैल्यू को कंप्यूटर्स में ले सकते हैं, डेटा कंप्यूटर्स में सेव कर सकते हैं, या फिर जो भी वैल्यू है आप उसको प्रिंट करके अपने पास में रख सकते हैं, एक रिकॉर्ड रख सकते हैं उसका. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन. अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से कि आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप एकेडमी की वेबसाइट को ज्वाइन करके भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक दिस वीडियो. Share and subscribe to our YouTube channel. Thank you very much, everyone.